ये मैं अपने YouTube चैनल पे, जो कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से मैंने एक YouTube चैनल बनाया है, तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है वो ये है कि आई वांट टू ट्राई टू इम्प्रूव द बेसिक नॉलेज स्किल इन द फील्ड ऑफ कन्वेयर सिस्टम। और ये जो मैं आज डिस्कस करूँगा उसमें कन्वेयर सिस्टम के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट होते हैं, उनका पर्पस क्या है, और बेसिक कन्वेयर सिस्टम का जस्ट मैं एक ओवरव्यू दूंगा, जिसका मेनली स्कोप और या फिर ये जो है पर्पस ये है कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस करने में, जो भी ऑपरेशन करते हैं या मेंटेनेंस करते हैं, तो बेसिकली इंजीनियर्स को जो मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, तो इंजीनियर्स को और सुपरवाइज़र को, इवन टेक्नीशियन लेवल तक को इस मेरे वीडियो से उनको हेल्प मिलेगा। तो आज ओनली जस्ट मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि बल्क मेटल हैंडलिंग सिस्टम के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ कन्वेयर का, कन्वेयर में क्या क्या होता है, उसके इक्विपमेंट्स क्या हैं, उनका लोकेशन कहाँ है, जो है पोजीशन क्या होता है सिस्टम के अंदर। और जैसा कि आप इस हमारे स्लाइड्स में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है मैंने एक कन्वेयर को ड्रा किया है, जिसके अंदर सारे पॉइंट्स हैं, पॉइंट नंबर 1-2, पॉइंट नंबर 15 है। मैं एक एक करके आपको ये बताऊँगा कि किस पोजिशन पर, किस लोकेशन पर जो हमारा यूज़ किया जाता है एक इक्विपमेंट और कंपोनेंट जो कन्वेयर का। तो एक पूरे कन्वेयर कंपोनेंट के अंदर और कन्वेयर इक्विपमेंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली मैं लोकेट करूँगा इस वीडियो के अंदर, और एक एक इक्विपमेंट और एक एक कंपोनेंट को आगे एक्सप्लेन करूँगा मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो फर्स्ट मैं आपको ये क्लियर करता हूँ इस इमेज से। फर्स्ट ये टेल पुली है, ये जो लोकेशन देख रहे हैं पॉइंट नंबर 1, यहाँ पे एक पुली लगी रहती है, इस पुली को हम बोलते हैं टेल पुली, जो आप मेरे नेक्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे टेल पुली है, सेकंड नंबर पे स्नब पुली है, स्नब पुली जो है ये सेकंड नंबर पे स्नब पुली है, और ये हेड साइड के अंदर ये एक जो है 13 नंबर वो हेड पुली है। 13 नंबर के आप जस्ट नियर अबाउट में देख सकते हैं ये सेकंड नंबर है, यहाँ भी एक पुली लगी हुई है, ये भी एक सेकंड नंबर है, यहाँ भी एक पुली लगी हुई है, ये दोनों पुली जो होता है स्नब पुली होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, या फिर अगर आप स्नब पुली के एप्लीकेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको इसका एक प्रिंसिपल बताऊंगा कि स्नब पुली का यूज़ क्यों करते हैं और पर्पस क्या होता है। तो बेसिकली नाउ जस्ट आई वांट टू क्लियर एवरी एंड ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ दिस कन्वेयर। तो फर्स्ट वन आई जस्ट क्लियर टू यू, टेल पुली, एंड पॉइंट नंबर 12 इज़ द, पॉइंट नंबर 13 इज़ द हेड पुली, एंड पॉइंट नंबर 2 इज़ द स्नब पुली, पॉइंट नंबर 7 इज़ द बेंड पुली। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सिस्टम के अंदर दो बेंड पुली होता है और एक सिस्टम के अंदर दो स्नब पुली होता है। इस तरह से यहाँ पे आप देखिए दो सेकंड नंबर पॉइंट पे स्नब पुली है, 7 नंबर पे बेंड पुली है। सेम आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पॉइंट नंबर 2 टेल साइड में भी है, एंड पॉइंट नंबर 2 हेड साइड में भी है, एंड पॉइंट नंबर 7 भी यहाँ पर दो है, तो ये दो बेंड पुली हो गई। पॉइंट नंबर 8 देखिए आप यहाँ पर टेकअप पुली है, एंड पॉइंट नंबर 3 ये जस्ट आप बॉटम साइड में देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 जो होता है वो इंटरनल बेल्ट क्लीनर होता है। इसका भी मैं आपको एक एक इक्विपमेंट का जो है कंपोनेंट एक्सप्लेन करूंगा अपने हर एक वीडियो में, और अगर आपको बेसिकली किसी एक इक्विपमेंट का या पर्पस या ऑपरेशन जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं स्पेशली आपको उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा एक वीडियो बना करके। पॉइंट नंबर 4 ये जो आप ब्लैक डॉट से देख रहे हैं, एक्चुअली ये थ्रू आउट रोलर है, ये पॉइंट नंबर 10 एंड पॉइंट नंबर 4 ये जो शो कर रहा है, तो एक देखिए ये आपको ब्लैक डॉट है जो सॉलिड फॉर्म में दिख रहा है, और एक जो है आपको नॉर्मल एक सर्किल दिख रहा है। ये दोनों एक्चुअली रोलर ही हैं, लेकिन दोनों रोलर अलग अलग हैं। पॉइंट नंबर 4 जो है वो इम्पैक्ट रोलर है, और ये जो है पॉइंट नंबर 10 ये पॉइंट नंबर कैरिंग एडलर रोलर है, जिसको बेसिकली हम कैरिंग रोलर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 5 जो है ये भी नॉर्मल देखिए रोलर जैसा ही दिख रहा है, सिंपल है। तो पॉइंट नंबर 5 जो होता है, जो टॉप साइड में कैरिंग साइड में लगा रहता है, उसको कैरिंग रोलर और कैरिंग एडलर बोलते हैं, वैसे ही पॉइंट नंबर 5 जो है वो रिटर्न एडलर बोलते हैं। पॉइंट नंबर 6 देखिए, जो कि ये ऑरेंज फॉर्म में, ऑरेंज के जस्ट नीचे एक सिंपल एक लाइन दिख रहा है, उसको ये शो कर रहा है पॉइंट नंबर 6, और एक नीचे की जो लाइन है इसको पॉइंट नंबर 6 शो कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कन्वेयर बेल्ट है, तो इस कन्वेयर सिस्टम के अंदर ये जो लाइन आपको दिख रही है इसको बोलते हैं बेल्ट, ये शो कर रहे हैं बेल्ट, इसलिए पॉइंट नंबर 6 बेल्ट है। ऑलरेडी मैंने पॉइंट नंबर 7 बेल्ट पुली आपको बताया, पॉइंट नंबर 8 जो है वो टेकअप पुली है, पॉइंट नंबर 9 टेकअप यूनिट और काउंटर वेट। एक्चुअली ये जो है कंप्लीट जो एक देखिए यहाँ पर ड्रॉ किया है हमने एक लाइन, जिस लाइन के अंदर स्क्वायर के अंदर
ये फुल फेज में टेकअप यूनिट कहलाता है। और नाइन्थ नंबर की इसलिए शो किया, चूँकि ये काउंटर रेट है, इसके अंदर जो होता है एज पर कैलकुलेशन कन्वेयर के अंदर जो हमको टेंसाइल स्ट्रेस देना है उसको कैलकुलेट करके हम एक लोड देते हैं टेकअप लोड, जिसकी वजह से आपका कन्वेयर जो होता है उसके अंदर टेंसाइल फोर्स क्रिएट होता है। तो ये पॉइंट नंबर नाइन टेकअप यूनिट है। पॉइंट नंबर नाइन के अंदर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में आप देख रहे हैं, ये काउंटर वेट। टेन नंबर का आपको मैंने क्लियर किया, इलेवेंथ और ट्वेल्थ ये क्या है, स्क्रैपर है। स्क्रैपर एक्चुअली पर्पज है क्लीनिंग का, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने पॉइंट नंबर 11 के अंदर ये चीज़ मेंशन किया है और पॉइंट नंबर 12 के अंदर ये मेंशन किया है। तो ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा आपको भी नेक्स्ट वीडियो में कि क्लीनर का क्या पर्पस है, क्लीनर की पोजीशन कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं और बेसिकली इसका प्रिंसिपल एप्लीकेशन क्या है। तो जस्ट यहाँ पर आप देखिए 11th एंड 12th पॉइंट जो है वो है स्क्रैपर, प्राइमरी स्क्रैपर एंड सेकेंडरी स्क्रैपर। 10th कैरिंग एल्डर ऑलरेडी बताया मैंने आपको, 13th हेड पुली है, 14th एंड 15th ये देखिए 14th एंड 15th जो है ये ऑरेंज कलर ये शो कर रहा है, इसमें मटेरियल हैंडलिंग हो रही है, मतलब कोई एक मटेरियल आ रहा है। तो ये यहाँ से देखिए ये जो एक चीज़ है इसके अंदर ये 14 नंबर रिसीविंग शूट कहलाता है, जहाँ पर मटेरियल रिसीव होता है। एंड 15 जो है स्कर्ट बोर्ड है, स्कर्ट बोर्ड के अंदर ये होता है कि शूट से जब मटेरियल रिसीव होता है तो हम इम्पैक्ट पोजिशन के बाद वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब एक्सप्लो होता है मेटेरियल। एक्सप्लो होने के लिए हम मटेरियल के एक्सप्लोशन को रोकने के लिए, चाहे वो डस्ट हो चाहे वो किसी तरह का मटेरियल हो, तो उसकी स्पिलेज को और डस्ट जो हमारा एक्यूमुलेट होता है तो वो ज़्यादा एक्सप्लोर ना हो इन्वायरमेंट के अंदर एंड हमारे सिस्टम के अंदर एंड हाउसकीपिंग पैरामीटर के थ्रू। तो हर चीज़ को मतलब इन्वायरमेंटली कंडीशन एंड डस्ट कंट्रोल एवरीथिंग जस्ट वी कंसीडर। सो दैट्स वाई इंजीनियर्स डिज़ाइन टू द इन द सिस्टम, दिस इज द स्कर्ट बोर्ड। स्कर्ट बोर्ड जो होता है वो सारे डस्ट को और मटेरियल जो एक्सप्लोर होता है उसको कलेक्ट करता है, कलेक्ट कर करके मटेरियल को एक यूनिफॉर्म फ्लो देता है। तो ये 15 जो है ये मैकेनिकल पार्ट है रिसीविंग शूट का, जिसको हम स्कर्ट बोर्ड कहते हैं। तो अभी जो मैंने आपको इसके वीडियो के अंदर जो क्लियर किया है, जस्ट मैं एक ओवरव्यू कर देता हूँ कि टेल पुली, स्नब पुली, इंटरनल बेल्ट क्लीनर, इम्पैक्ट आइडलर, रिटर्न आइडलर बेल्ट एंड बेंड पुली, टेकअप पुली, टेकअप यूनिट, काउंटर वेट यूनिट, कैरिंग आइडलर एंड स्क्रैपर, प्राइमरी स्क्रैपर, सेकेंडरी स्क्रैपर, हेड पुली, रिसीविंग शूट एंड स्कर्ट बोर्ड। मैं आगे आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हर एक कंपोनेंट, कन्वेयर कंपोनेंट का क्या प्रिंसिपल है, उसके क्या ऑपरेशन पैरामीटर्स होते हैं, क्या मेंटेनेंस पैरामीटर होते हैं, उसके ऊपर मैं स्लाइड के थ्रू आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। पहले ऑपरेशन एक्सप्लेन करूँगा, फिर मेंटेनेंस एक्सप्लेन करूँगा, फिर उसके अंदर इंस्पेक्शन करना है तो करेक्टिव मेंटेनेंस किस तरह का होता है, बहुत सारी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ब्रीफ नॉलेज चाहिए या किसी भी चीज़ों के अंदर, ऑपरेशन के अंदर, इंस्पेक्शन के अंदर, हाउसकीपिंग पैरामीटर्स के अंदर, मेंटेनेंस प्रोसीजर के अंदर, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको अपना बेस्ट दूंगा और आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अगर ये वीडियो आपके नॉलेज के लिए है, चूँकि मेरा पर्पस यही है, तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।